अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 11वीं सहित विभिन्न कक्षाओं में गेम कोटे से एडमिशन नहीं होने पर छात्राओं में आक्रोश पनप गया और नाराज छात्राओं ने गेम्स कमेटी पर घूस लेकर एडमिशन न करने का गंभीर आरोप लगा दिया। छात्राओं का आरोप है कि वे नेशनल स्टेट खिलाड़ी हैं और उन जैसी और भी अनेक खिलाड़ी छात्राएं हैं, लेकिन हम में से किसी को भी गेम्स कोटे से एडमिशन नहीं दिया गया, जिससे सभी छात्राएं काफी हताश हैं, जिसको लेकर वे अपने हक के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। वहीं छात्रों ने आरोप लगाया है कि गेम्स कमेटी घूस लेकर एडमिशन कर रही है और हमें कई गोल्ड सिल्वर पदक मिलने के बाद भी एडमिशन नहीं दिया गया है, लेकिन कई ऐसे अपात्र खिलाड़ी हैं जिनको एडमिशन दे दिया गया है। छात्रों की मांग है कि सिलेक्टेड लिस्ट में उनका एडमिशन किया जाए, अन्यथा वे प्रदर्शन जारी रखने को मजबूर होंगे। मांग को लेकर आपने बाबे सैयद पे आज जाम लगाया, क्या मसला है? एडमिशन जो है हम लोग की सिलेक्टेड लिस्ट में होना चाहिए था, क्योंकि हम नेशनल प्लेयर्स हैं, हम हमारे पास 3 गोल्ड सर्टिफिकेट्स हैं, गोल्ड हैं हमारे पास, लेकिन हम लोग के एडमिशन में पिछले साल भी हुआ था जिन बच्चों के फेक सर्टिफिकेट थे, लिटरली मैंने खुद सिखाया है एक लड़की को, उसे आता तक नहीं था, मैंने उसे सिखाया है, उसका सिलेक्टेड लिस्ट में फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ये 11 की स्टूडेंट है, इसका चांस मैं मुंह में डाल दिया, और मैं अकेली थी स्केटिंग की, मैं स्केटिंग की बिल्कुल अकेली थी, मेरा भी चांस मैं मुंह में डाल दिया। बहुत से लोगों के साथ यही हुआ है, जो लोग पैसे लेके एडमिशन करवाए जा रहे हैं स्पोर्ट्स कोटे तक के, हम लोग कितने सालों से वो खेल रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, हम लोग नेशनल्स खेलते हैं, अभी भी रिसेंटली चेन्नई जाके आए हैं, ये चंडीगढ़ गई थी, मैं खुद चेन्नई गई थी, पुणे जा चुकी हूँ मैं, ये विशाखापट्टनम गई है, इतनी जगह गए हम लोग, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है, सिलेक्शन फिर भी दूसरे बच्चों का हुआ था, हम अकेले का फ़ायदे क्या, कितने हज़ारों लाखों रुपये हम लोग के लग चुके हैं अब तक इस चीज़ में सिर्फ। कौन जिम्मेदार है इसका? पूरा ये लोग गेम्स कमेटी जिम्मेदार है इसका। अच्छा, सब लोग जो बैठे हैं पैसे लेके एडमिशन कर रहे हैं, जिन लोगों को क्रेडिट देने चाहिए उन लोगों को दे ही नहीं रहे, दूसरों को एडमिशन दे दें इन लोगों ने, हमें हमारा एडमिशन चाहिए, हमारा चांस में डाला कैसे इन लोगों ने, हम लोगों का सिलेक्शन हुआ ट्रायल्स के टाइम पे भी पानी में, हम लोगों को सिलेक्शन वो करवाया था ट्रायल, हम लोग का पानी में कैसे स्केट्स चल सकते हैं, चलते हैं व्हील्स नहीं चल पाते हैं। कितने बच्चे ऐसे, कितनी बच्चे ऐसी हैं जिनके एडमिशन ये है, और भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, ऐसा नहीं चलेगा अब, लेकिन बहुत ज्यादा हो चुका है ये वाली चीज, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपना एडमिशन चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, अब एडमिशन जब तक आप नहीं होगा बिल्कुल नहीं हटेंगे यहाँ से, हम यही रहने वाले हैं, चाहे रात में क्यों ना रहना पड़े, अब हमें यहाँ अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की भी। सिलेक्टेड लिस्ट में भी पहले जो फर्स्ट लिस्ट आई थी तब भी इन लोगों ने हमारा नाम कर दिया था, ये बोला गया था कि आपके सर्टिफिकेट्स फेक हैं, स्कैन कर करके QR जो सर्टिफिकेट्स होते हैं नेशनल पे उन पे स्कैन करके ये बोल थे कि आपका नाम नहीं है, 44 पेजेस थे उसके अंदर, हमने ट्रायल इतनी मुश्किल से ट्रायल में हम लोग बी लिस्ट निकलवाई थी, उसके बाद जब ट्रायल हुआ हम लोग वहाँ गए तो सर्टिफिकेट स्कैन करके देख रहे, बोला आपका नाम ही नहीं, हमने आधा घंटा इतनी मुश्किल से अपना नाम ढूंढ के उन्हें दिखाया, यूपी से खेलते हैं, आपसे बेम यू की साइड से नहीं खेलते हम लोग, यूपी मैं यूपी टीम में हूँ, ये भी यूपी टीम में है, हमारे पास पूरे प्रूफ है, हमारी फेडरेशन हमें बहुत अच्छे से जानती है, इतनी मेहनत से ट्रायल देते उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा हुआ है, इन लोगों ने किया है, हमारी ट्रायल के टाइम पे कोई बात करने के लिए राजी है आपसे? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे हमें हमारा हक चाहिए, अब ये लोग बहुत हद से ज्यादा हो चुका है। अब ऐसे ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए 80 न्यूज़ इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।